This is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel. आज के इस वीडियो में मैं आपको 100 मार्क्स हिंदी का गद्य खंड का लेसन 13 जिसका नाम शिक्षा है जो जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है उसका MCQ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस MCQ के महासंग्राम को। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन या जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसको देख पाए। ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो पिक्चर किसका है, तो जय कृष्णमूर्ति जी का है। किसका है? जय कृष्णमूर्ति जी का। और इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था और इनका जन्म 12 मई 1895, इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ जय कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 को कहाँ पर हुआ था? ओजई कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया US, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ का एक जगह है ओजई जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये साउथ से बिलोंग करते थे, आपको पता ही होगा। इनकी माता का नाम संजीवमा और पिता का नाम नारायणा जिद्दू था। इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया वो पेरिस सॉर्बोन यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने बहुत सारे फाउंडेशन की स्थापना की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था आपका कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो इन्होंने 1928 में स्थापना किया था। और इन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखा, जैसे हो गया द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, क्या होगा द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फिर हो गया फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उसके बाद थिंक ऑन दिस थिंग्स, ये सारे चीज। ठीक है, तो आपने इनके बारे में अच्छा से जान लिया। अब चलते हैं MCQ, इसको पढ़ने के बाद मतलब 10-15 MCQ तो आपको ऐसे ही बन गए। ठीक है, अब चलते हैं MCQ, लेकिन यहाँ पे एक मैंने साई लिखा है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है, ये याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है ना, पार्ट 13, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म जो है कब हुआ था, तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 12 मई 1895। ठीक है ना, कब हुआ था, तो 12 मई 1895। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है कि माँ की मृत्यु, किसकी माँ? जय कृष्णमूर्ति की माँ, मतलब माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो जब इनकी माँ मरी थी, जब जय कृष्णमूर्ति की माँ मरी थी, तो ये 10 वर्ष के थे। ठीक है, कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष। नंबर 4, जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 17 फरवरी 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, जय कृष्णमूर्ति के माताजी का नाम क्या था? तो जय कृष्णमूर्ति के माताजी का नाम आपने ऊपर पढ़ा, संजीव माँ, ठीक है था। और जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम 6 नंबर में है, इनके पिता का नाम क्या था? नारायणा जिद्दू। क्या नाम था? नारायणा जिद्दू।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन मतलब सात में चलते हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है, मतलब जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा जो लिखी गई शिक्षा है वो कैसी रचना है, तो वो संभाषण है। क्या है? संभाषण है, मतलब एक शिक्षा शास्त्र, ये हाँ शिक्षा शास्त्र है, भाषण शास्त्र है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा कहाँ नहीं हो सकती, मतलब मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। तो आपको पता ही होगा शिक्षा वही हो सकती है, मेधा वही हो सकती है जहाँ पे भय नहीं हो, और जहाँ पे डर हो वहाँ पे शिक्षा कहीं कभी भी नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, ये इनका मानना है, किनका? जय कृष्ण मूर्ति का। क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं। तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। ये आपको पता होगा कि आदमी जो है पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी तो बन जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो अपने जीवन को समझ नहीं पाता है और उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ तो ऐसे व्यक्ति हुए हैं बिहार में या भारत में कि जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम पास कर लिए हैं और वो अपने जीवन को समझ नहीं पाए और नौकरी किए और एक साल के बाद मर गए, मतलब आत्महत्या कर लिए, कोई कुछ कर लिए इस प्रकार का। तो लेखक के अनुसार जो है जीवन को समझना कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से ज़्यादा कठिन होता है, सबसे ज़्यादा कठिन होता है जीवन को समझना, जल्दी आदमी समझ नहीं पाते। और जिन्होंने जीवन को समझ लिया वो समझिए कि बेहतरीन इंसान हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है। तो सच्ची शिक्षा में व्यापकता देती है, क्या देती है? व्यापकता देती है। व्यापकता का मतलब होता है जो नाम होता है ना, सच्ची शिक्षा जो है आपके अंदर में दूरदृष्टि, ज़्यादा ज्ञान, जीवन को सही ढंग से जीने का व्यापकता देती है। चलिए बचपन में, क्वेश्चन नंबर 11 है, बचपन में किस वातावरण में रहना चाहिए, मतलब लेखक कहते हैं कि बचपन में किस वातावरण में रहना चाहिए। तो आपको पता होगा जितने भी सारे बच्चे होते हैं बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगना चाहिए ताकि वो अपने दिमाग का डेवलप कर सके, ठीक है, अपने जीवन को सही ढंग से जी सके इस प्रकार से। और भय में बच्चा कभी भी बेजोर नहीं बनता। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सही जिंदगी का सही अर्थ क्या है। जिंदगी का सही अर्थ होता है सत्य की खोज करना। क्या होता है? सत्य की खोज करना। जिंदगी का सही अर्थ होता है सत्य की खोज करना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की सोच अग्रसर है। आपको पता होगा अब आज का जमाना ऐसा हो गया कि लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, जिस प्रकार से हम एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जल मरते हैं उसी प्रकार से एक देश दूसरे देश से लोग जल रहे हैं, और उनके अनुसार आज जो पूरा विश्व है वो नाश की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? नाश की ओर। आपको पता ही है और देख ही रहे क्या चल रहा है इस दुनिया में, ठीक है ना, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, ठीक है ना। एक तो कोरोना है, बाढ़ है, भूकंप है, बिजली के झटके हैं, क्या क्या नहीं है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंध होते तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता। मतलब जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार क्या चीज है जो मानव के विचार, संबंध और प्रेम को खत्म कर देता? तो भय। क्या है? भय। भय सब चीज को खत्म कर देता। जिस आदमी में भय है वो ना ही अच्छा से बोल पाएगा, ना ही अच्छा से अपना विचार दूसरे के सामने प्रकट रख पाएगा, ना ही उसका किसी अच्छे से संबंध हो पाएगा और ना ही वो अपने भाव को दिखा पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो एक किताब का नाम है और ये लिखा हुआ किसके द्वारा? जय कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 में बोल रहा है साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो साम्यवादी जो है वो पूंजीपतियों से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीपतियों से लड़ रहा है। 17, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऊपर में आपने पढ़ा होगा जय कृष्ण मूर्ति का नाम, पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यस, ठीक है। तो 18 नंबर में जो है जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा तत्व सही है उनके बारे में। तो वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे, ठीक है ना, मतलब जय कृष्ण मूर्ति जी के बारे में ये सेंटेंस ज्यादा सटीक और सही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में जब चलते हैं तो जय कृष्ण मूर्ति की राय में डैश करना शिक्षा नहीं है। क्या चीज करना शिक्षा नहीं? अनुकरण।
अनुकरण नकल करना कोई शिक्षा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जय कृष्ण मूर्ति किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो जय कृष्ण मूर्ति जो है वो किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो जय कृष्ण मूर्ति थियोसोफिकल संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये संस्था जो है हमें आध्यात्मिक चीजों के बारे में बताती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जय कृष्ण मूर्ति क्या कहे जाते हैं? तो जय कृष्ण मूर्ति जो है जीवन, दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा, मनीष, मतलब ये सभी चीज कहे जाते हैं। क्या हो जाएगा? सभी। क्वेश्चन नंबर 22, उनके अनुसार मतलब क्या, शिक्षा के अनुसार, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं क्या क्या हैं? तो जीवन का जो मन जो होता है, मन में जो चीज़ें होती है वो ईर्ष्या होती है, वासना होती है, महत्वाकांक्षी होता है, मतलब इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि शिक्षा पाठ के अनुसार पक्षी, फूल, वैभवशाली वृक्ष, आसमान, ये सितारे, ये नदियाँ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ये सारे चीज़ मिलकर जीवन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जीवन का। और जब आप बुक को पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे, तो आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक को रीड नहीं करते हैं तो आप इसको पढ़ते हैं तो इससे भी आपको बहुत सारा चीज़ की जानकारी आपको आ सकती है या आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा पाठ के अनुसार यानी शिक्षा पाठ के आधार पर यह दुनिया किसकी है? यह दुनिया लेखक कहते हैं वकीलों का है, सिपाहियों का है, सैनिकों का है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, जब मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है तब क्या बन जाता है? तो वह क्रूर हो जाता है। आप देखते हैं ना कि जब मनुष्य महत्वाकांक्षी हो जाता है, मतलब जब मनुष्य को लगता है कि जो कुछ हमको करना, हमको कोई भी चीज़ हालत में करना ही करना है, या अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है, तब वो क्या करता है, दूसरे आदमी का वैल्यू वो नहीं देता है। तो यहाँ पे क्रूर सबसे उचित ऑप्शन होगा, क्रूर हो जाता है। जब मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है तो वह क्रूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, जब मनुष्य कोई महज आदतन का अर्ज करता है तो उसे क्या प्राप्ति होती है? ये चीज़ आपको भी पता होगी, अगर कोई व्यक्ति रोज एक ही जैसा काम कर रहा है, दाल भात रोटी, इसका मतलब ये कि आपका इससे जो है आपका मन बोर हो जाता, उब जाता, तो हास होता है, उब जाता है। और अंतिम में लोग, बहुत आदमी क्या करते हैं, अपने जो जीवन होते हैं आदतन वाला जीवन जो होता है, अपने जीवन से उब कर लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति का क्या अर्थ होता है? अगर सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति का अर्थ होता है समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, समस्त भयों से मुक्ति, क्या होगा? समस्त भयों से मुक्ति हो जाएगा। ओके, ठीक है। 28 में क्या है, जीवन क्या है? तो आपको भी पता है इसका कोई डिफिनीशन नहीं हो सकता, अलग अलग आदमी के लिए जीवन अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन किताब के अनुसार, आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार जीवन अद्भुत होता, अगाध होता और असीम होता है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर होता है वो उपयुक्त सभी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, जय कृष्ण मूर्ति का निधन कहाँ हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का निधन जो है ओजई कैलिफोर्निया में हुआ था। और ये कैलिफोर्निया कहाँ है? तो US में है। कहाँ पे है? US में है। ये कैलिफोर्निया जो है ये US में है। चलिए आगे चलते हैं 30 और अंतिम, जय कृष्ण मूर्ति के सभी संभाषण किस फाउंडेशन के द्वारा सभी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है? तो कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन के द्वारा। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने 12 वाले फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है ना, और इस प्रकार से मैंने सारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रो सेक्शन का मैंने ख़त्म कर दिया है। अब कुछ बचे हुए हैं पोएट्री सेक्शन में, उसको चलेंगे। और एक वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसका नाम होगा
बिल्कुल एक महाभारत की तरह, ठीक है ना। और उसमें आपको हिंदी से संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, क्या एग्जाम में आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।